दोस्तों कुछ चीजें अपने जीवन में ऐसी होती हैं जिन चीजों को हम जानने की कोशिश तो करते हैं लेकिन ना जानने की वजह से हम उसको बाद में बोल देते हैं कि छोड़ो यार जाने दो क्या होगा जान के। तो उन्हीं सब बहुत सारी बातों को मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ और वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो पर बने रहिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक दे दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर एक, क्यूब, रूबिक क्यूब आप तो जानते ही होंगे दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने उसको हल करने की कोशिश की होगी और बहुत सारे लोगों ने सिर्फ देखा होगा हल करते हुए, यूट्यूब पर देखा होगा या फिर रिलेटिव में देखा होगा। लेकिन आप क्या आपको पता है कि उसको जिसने बनाया था उसने कितनी देर में हल किया था? वो जब उस आदमी ने उस क्यूब को बनाया था तो उसने खुद 1 महीना उसको हल करने में लगा दिए थे, उसके बाद उसने और लोगों के सामने उसको लाया। नंबर दो, दोस्तों औरतें, बहुत सारी औरतें लिपस्टिक नहीं लगाती हैं लेकिन 90% औरतें जो है लिपस्टिक लगाती हैं। तो क्या आपको पता है कि एक औरत अपने पूरे जीवन में जो मुसलसल लगाने यानी बराबर लगाने वाली औरत है वो अपने पूरे जीवन में कितनी लिपस्टिक लगा लेगी? अंदाज़ा लगाइए आप। वो एक औरत कम से कम 3 किलो तक लिपस्टिक अपने पूरे जीवन में लगा लेती है। नंबर तीन, दोस्तों पार्ले जी बिस्कुट हर किसी ने देखा होगा, हर किसी ने खाया होगा। पार्ले जी, ये नाम पार्ले और जी, ये जो है बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि इसका क्या मतलब होता है, लास्ट में जी लिखा होता है मतलब पार्ले जी। तो इसका मतलब जो है वो पार्ले जी से जीनियस या जूनियर नहीं होता है, पार्ले जी से ग्लूकोज होता है, यानी पार्ले ग्लूकोज। ये बात आपको शायद नहीं पता थी, आज मैंने बता दी आपको। नंबर चार, दोस्तों रेगिस्तान का जहाज यानी ऊंट, बहुत सारे लोगों ने रियलिटी में ऊंट को देखा होगा और बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जिन्होंने ऊंट को सिर्फ मोबाइल में यूट्यूब पर ही देखा है। लेकिन जिन्होंने रियलिटी में देखा है उनको शायद ये बात पता होगी कि ऊंट की जैसे हम लोगों की 1 पलक होती है वैसे ऊंट की 3 पलकें होती हैं। वो इसलिए कि वो रेगिस्तान में चलते हैं तो वहाँ पे हवाएं चलती हैं, हवाओं की चलने की वजह से रेत उड़ती है जिसकी वजह से वो उनकी आँख में अंदर ना जाए, इसके लिए उनकी 3 पलकें होती हैं। नंबर पाँच, दोस्तों क्या आपको पता है कि जो ये मोबाइल आप लिए हैं, जो ये मोबाइल आप चला रहे हैं, इसका आविष्कार यानी कि एंड्रॉयड फ़ोन का सबसे पहला आविष्कार किस मोबाइल यानी किस कंपनी ने किया था? नोकिया ने, सैमसंग ने या एचटीसी ने या फिर किसी और कंपनी ने? तो आप जो है अगर आपको पता हो पहले से तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, लेकिन नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले 2008 में एचटीसी ने इसको एचटीसी ड्रीम नाम का एंड्रॉयड फ़ोन बनाया था एचटीसी कंपनी ने। नंबर छः, दोस्तों अगर ये वीडियो आप सुबह के टाइम देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि सूर्य जब सुबह को निकला होगा तो वो लाल रंग का रहा होगा, दोपहर को देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो पीले रंग का आपको हल्का दिख रहा होगा या फिर सफ़ेद रंग का दिख रहा होगा, शाम को देखेंगे तो लाल रंग का दिख रहा होगा। लेकिन असल में जो सूर्य का रंग है वो किस कलर का है, क्या आपको इस बारे में पता है? अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि सूर्य का कलर जो है, असल रंग जो है वो सफ़ेद है। नंबर सात, दुनिया इतनी बड़ी है कि यहाँ पे बहुत से पैसे वाले लोग, बहुत से गरीब लोग भरे हुए हैं, यानी कि इनका कोई आंकड़ा, कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो इसी तरह से दुनिया में 100 ऐसे अमीर लोग हैं जो साल में इतना पैसा कमा लेते हैं कि उन 100 लोगों की वजह से पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड की गरीबी 4 बार, 1 बार नहीं 4 बार मिटाई जा सकती है। नंबर 8, दोस्तों क्या आपको पता है कि ये जिस तरह से हमारा हिंदुस्तान या इंडिया है इस तरह से और कितने देश हैं? तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ 195 यानी 195 देश हैं। नंबर 9, दोस्तों आपको किसी ना किसी बात का टेंशन कभी ना कभी आ ही जाता होगा, लेकिन कहा जाता है कि ज़्यादा टेंशन लेने से आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
तो इसलिए जो है टेंशन लेना बहुत ही बुरी बात है। इसीलिए मैं बता दूंगा आपको कि आदमी जब बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होता है तो उसका खून और गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से खून के को जमने के चांस हो जाते हैं, और यही खून के थक्के जमने की ही वजह से हार्ट अटैक वगैरह आते हैं। तो टेंशन ज़्यादा लेने से कोई फ़ायदा नहीं। नंबर 10, दोस्तों आपने हाथी तो देखा होगा, हाथी तो लगभग सभी लोगों ने देखा होगा। हाथी के पूरे शरीर में आप देखेंगे कि तो बहुत बहुत ही भारी भरकम शरीर होता है, लेकिन उनके पूरे शरीर में और जानवरों के मुकाबले एक चीज़ और होती है, जो होता है उनका सूंड। अब सूंड जो है वो आप यकीन नहीं करेंगे, उसमें 40,000 मांसपेशियां होती हैं, लेकिन हड्डी एक भी नहीं होती है। है ना मज़ेदार बात। तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। अगली वीडियो आने तक के लिए जय।